खबर आपको देते चलते हैं। बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अभी तक मात्र 16 शहर हमारे लॉकडाउन थे, लेकिन अब पूरे यूपी को लॉकडाउन कर दिया गया है। 27 मार्च तक के लिए पूरे उत्तर प्रदेश को लॉकडाउन कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है और अच्छी खबर है, हम कह सकते हैं ये अच्छी खबर। लोग मान नहीं रहे हैं, लोग घरों से निकल रहे हैं और आवाजाही रोक नहीं रहे हैं, महामारी की गंभीरता को समझ नहीं रहे हैं। सरकार सचेत कर रही है लेकिन लोग मान नहीं रहे, और ऐसे में अब उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है और अच्छी खबर है, हम बार बार कह रहे हैं अच्छी खबर इसलिए क्योंकि लोग घरों से निकल रहे हैं, जा रहे हैं। कल हमने जिस तरह से बस स्टेशन पर भारी भीड़ देखने को मिली, सड़क पर टेम्पो नहीं चल रहे थे, सड़क पर प्राइवेट गाड़ियां नहीं चल रही थी, तो लोग पैदल ही मार्च कर रहे थे और ये बहुत ही भयावह स्थिति हो सकती है। इसी सब को मद्देनजर रखते हुए कल रात में ये सब मीटिंग की गई थी। लगातार मुख्यमंत्री मीटिंगों का दौर जारी किए हुए हैं और अब ये ऐलान कर दिया गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश को लॉकडाउन कर दिया मार्च तक के लिए। ये बहुत बड़ी खबर है, हम अपने मेहमानों का रुख करेंगे इसी पर। हम हालांकि बात कर रहे हैं कि क्या पैकेज दिया जाना चाहिए, एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि ये अधिकार डीएम को दे दिए गए हैं कि लगाया जाए कि ना लगाए। बिल्कुल, एक तो संवेदनशील जो जगह है वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है और दूसरी डीएम को ये आदेश दे दिया गया है, डीएम को परमिशन दे दी गई है कि आप चाहे तो अपने पूरे जिले में कर्फ्यू लगा सकते हैं। जब जनता नहीं मानेगी तो ऐसे आने ही पड़ेंगे। हालांकि खबर यह है कि शाहीन बाग का धरना प्रदर्शन खत्म हो गया है, लखनऊ में का धरना खत्म हो गया है, तो ये एक अच्छी खबर भी खबर है कि अब उत्तर प्रदेश 27 मार्च तक के लिए पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया है और अगर अब जनता बात नहीं मानेगी तो उसके बाद। और इसके साथ में एक टास्क फोर्स का भी गठन कर दिया गया है, उसका गठन किया गया है और इसकी पहली बैठक अब से कुछ देर बाद होने जा रही है। पहली बैठक में क्या निर्णय लिया जाएगा ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन मुख्यमंत्री लगातार इन सब बातों पर निगाह रखे हुए लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। अपने सारे अधिकारियों के साथ में वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं और सिचुएशन को असेस कर रहे हैं कि कैसे क्या किया जाना चाहिए। जितेंद्र जी करेंगे, जितेंद्र जी अच्छा कदम, सराहनीय कदम।